राजीव युवा मितान क्लब के गठन के बाद से इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से क्लब सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। निगम सभागार में अंतिम जोन स्तरीय राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की बैठक लेकर इन्हें प्रशिक्षण दिया गया। राजीव युवा मितान क्लब का गठन सरकारी योजनाओं एवं गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है। यह क्लब विभिन्न खेलों और शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी और साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति आम जनमानस को जागरूक भी करेगी। इसी राजीव युवा मितान क्लब की जोन स्तरीय प्रशिक्षण की अंतिम कार्यशाला निगम भिलाई के सभागार में सम्पन्न हुई। इस कार्यशाला में नगरपालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही इन योजनाओं को किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए इसकी जानकारी भी राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई। देखिए, अभी जो राजीव मितान क्लब है उनका प्रशिक्षण रेगुलरिटी में प्रत्येक जोन के हिसाब से चल रहा था, तो आज जो अंतिम जोन बचे थे और अंतिम प्रशिक्षण में कई लोग जो शामिल नहीं हो पाए थे प्रशिक्षण में पहले वाले में, तो उसके लिए आज अंतिम प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें उनको बताया गया कि आपको जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, खेल गतिविधियाँ उसमें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खेल गतिविधियाँ हैं उसमें सामाजिक गतिविधियों के तहत में पर्यावरण संरक्षण है, प्लास्टिक मुक्त अभियान है, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है और एड्स जागरूकता अभियान है, मलेरिया उन्मूलन अभियान है। ये सब अभियान में जो है हमको और इसके अलावा जो शासी योजनाएं हैं उसको लेकर के हम जो जनता तक लोगों तक जो है उसका प्रचार प्रसार करें, इसको कैसे मोटिव करके हम उन तक पहुंचा सके, इसके लिए जो हम आयोजन करेंगे उस पर आज जो है फोकस किया गया और सभी को प्रशिक्षित करके बताया गया कि आपको कैसे कैसे इवेंट्स करने हैं और जो इवेंट्स है उसके शेड्यूल जो है वो तैयार करके हमको भेजें और उसके हिसाब से आप एक अच्छा संदेश जो है वो भिलाई वासियों को दे ताकि आगे उन पे जन जागरूकता है। यही अभियान को लेकर के जो है वो मितान की बैठक जो है वो ली गई थी। सर, कोविड का कहर एक बार फिर से आ रहा है, क्या इसको भी हम युवा मितान, इसको भी राजीव मितान के माध्यम जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस पे हमने इनका प्रशिक्षण भी दिया है कि अभी यदि कोई ऐसी गाइडलाइन जो शासकीय आती है कोरोना को लेकर के, जो भी शासकीय गाइडलाइन आएगी उसके अनुरूप जो मैसेज लोगों तक जाना चाहिए वो पहुंचाने का भी काम जो है वो करेंगे। राजीव युवा मितान क्लब का गठन तभी सार्थक हो पाएगा जब सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।